अनगण मैसेज डालकर कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने छुआछूत का किया। बड़े बड़े नेता हैं जो माने हुए, कुछ तो ब्राह्मण भी है, लेकिन ब्राह्मणों ने जो छुआछूत की है, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण छुआछूत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों ने कभी भी जाति का वर्णन नहीं किया था। ये पुराने 60 या 55 चित्र देखे तो जब ब्राह्मणों की विधानसभा में संख्या एक बस में भरी चढ़कर ठसा ठूस होकर जाती थी, आज ऐसी स्थिति हो गई राजनीतिक में कि आज एक टैक्सी में बैठकर ब्राह्मण विधायक जा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आगामी 19 मार्च को जयपुर में विधाननगर स्टेडियम में एक ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें सभी ब्राह्मण घटकों जो भी संगठन है ब्राह्मणों के, सभी को बुलाया गया है, सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी एकजुट होकर निर्णय लेंगे कि आगामी राजनीतिक में हमारा स्थिति कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। इसी के लिए चिंतन शिविर रखा गया है, वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि अब हमें आगे क्या करना है। सभी ब्राह्मण है, सबके नेतृत्व में, किसी इंडिविजुअल किसी के नेतृत्व में नहीं है, सबके नेतृत्व में है। सभी जो भी घटक है समाज में, जो भी घटक है, जो भी राजस्थान में जैसे ही चुनावी साल चल रहा है, इसी के साथ ही जातिगत संगठन बन रहे शुरू हो गए, और जोधपुर में महा पंचायत शुरू की जा रही है ब्राह्मणों की। अब ब्राह्मण की जो महा पंचायत है जयपुर में 19 तारीख को करने जा रहे हैं, कितने लोग जाएंगे, क्या है आपका उद्देश्य? हमारे जोधपुर से करीब 25,000 लोगों के जाने की संभावना है। अलग बसों, हमने बसों की भी सुविधा की है, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ लोग अपने व्हीकल से जा रहे हैं। नहीं तो आप क्या मांग कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे महा पंचायत करने जा रहे हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या समाज के प्रति अभी आप कुछ बता रहे हैं? अभी जो आप देख रहे हैं राजनीतिक में भी देख रहे हैं, तो ब्राह्मणों का नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, और ब्राह्मणों को जो लोग हीन भावना से देख रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति गलत कमेंट्स कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने छुआछूत की है, जातिवाद ब्राह्मणों ने किया है, इसी को लेकर भी हम वहाँ पर मंत्रणा और मंथन करेंगे कि ब्राह्मणों के प्रति ऐसा क्यों हो रहा है। और हम भी मांग करेंगे कि ब्राह्मणों का नेतृत्व हो, आप सबको वदित होगा, जब तक पहले जब ब्राह्मणों का नेतृत्व था तब कोई ऐसी जातिगत जातियाँ आपस में बटी हुई नहीं थी, कोई भी जाति अलग से अपना गुट बनाकर नहीं चलती थी, सब ब्राह्मणों के साथ लेकर चलती, सब आपस में सद्भावना प्रेम से रहे। जब से ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ है तब से अलग अलग जातियाँ आपस में बढ़ गई है और अपने अपने गुट बनाने लग गई है, अपने अपने समीकरण बनाने में लग गई है। नहीं वो तो सही है, समीकरण बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। अभी आपकी क्या मांग है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनावी साल में तो हम चाहेंगे कि भी ब्राह्मणों का नेतृत्व हो। ब्राह्मण इतने ब्राह्मण बाहुल्य हैं, हमारे राजस्थान में भी ब्राह्मण हैं इतने ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का नेतृत्व भी एक ब्राह्मण करें, तो ये मांग रखेंगे हम। अभी आप तो कांग्रेस से थे, अब आप है संघ से हैं, तो आप ब्राह्मण महापंचायत लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य आपका? हमारा उद्देश्य है ब्राह्मणों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंतन और मनन करना, मुख्य उद्देश्य ये है। समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, समाज में क्या आगे, कैसे समाज को आगे लाया जाए, इन सभी बातों का चिंतन और मनन करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सारे ही सम्मिलित हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया का आपने भी जिक्र किया था, सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट चलते हैं, उसको लेकर कैसे करें? देखो कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। सभी 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला ब्राह्मण समाज है और हमेशा साथ लेकर चलता रहेगा, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो भी हमारे भाई हैं, कुछ भ्रांति हो गई है, उनको हम दूर करेंगे। आप संघ से थे, अभी आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, और सबसे बड़ी बात आपकी क्या मांग क्या रहेगी आगे जाके? मैं सत्यनारायण जोशी, ओबी प्रसन्ना का राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष। आपको बता देता हूँ, आज इतिहास में आज तक अगर कोई शोषित वर्ग रहा है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जब तक चुप है तब तक चुप है, और ब्राह्मण जब जब बोला है तो राज सिंहासन डोला है। अब ब्राह्मणों ने वो आगाज कर दिया है, अब हम अपना जो शोषित शरण नहीं करेंगे, अब जिस भाषा में सरकारें समझेगी उसी भाषा में समझाएंगे, उसी को लेकर एक महापंचायत का आगाज होने जा रहा है, और उसी महापंचायत में समाज में कई ऐसे मुद्दे, मैं आपको बता देता हूँ, ब्राह्मण समाज में जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, और अगर वो अधिकारी अपने गर्म दिमाग से या अपने सिस्टम से काम कर रहा है, और अगर कोई दलित उसके नीचे स्तर पर काम कर रहा है, तो वो
अगर कोई नॉर्मल बात को लेकर एस सी एस टी का मुकदमा ठोक देता है तो उस ब्राह्मण को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। महोदय, कितनी कठिन परिस्थितियों से वो बंदा नौकरी हासिल कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही है, अगर ब्राह्मण को पीट दिया तो उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर हम देख रहे हैं मुकदमे ब्राह्मण खाते हैं, और राजनीति में सबसे कमजोर कड़ी ब्राह्मण है। आपको बताऊँ, ग्रामीण स्तरों पर या अपने शहरी स्तर पर आरक्षण का एक ऐसा चक्कर है, अगर सामान्य सीट कई वर्षों बाद आती है और वहाँ ब्राह्मण बहुसंख्यक क्षेत्र होने के बावजूद भी दूसरे लोग जनरल कैटेगरी के टिकट होने के बावजूद भी अपनी टांग अड़ा देते हैं, ऐसे कई मामले हैं। इसी को लेकर ब्राह्मण महापंचायत ने आगाज किया है। आरक्षण का विरोध कर रहे हैं आप? मैं आरक्षण का विरोध नहीं, इसमें कुछ न कुछ सिस्टम में सुधार लाया जाए। आप कहाँ से सर? दिनेश गौड़, विप्र सेना का जोधपुर का जिला अध्यक्ष। विप्र सेना का, तो अभी आपकी क्या मांग रहेगी, अब चुनावी साल में आप भी आ गए मैदान में? चुनावी साल नहीं, ये जो अभी समाज की जो स्थिति चल रही है उस पर चिंतन और मनन के लिए किया जा रहा है। केवल राजनीतिक उद्देश्य इसका नहीं है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक और कई तरह के और भी हमारे उद्देश्य हैं। अभी नेतृत्व की बात हो रही थी कि जैसे चुनाव हो रहा है, हमको हमारा भी नेतृत्व मिले ब्राह्मणों को। नहीं, वो तो बिल्कुल अधिकार है हमारा, ये भी उद्देश्य हमारा है ही है साथ में, कि अगर चुनाव आ रहे हैं तो हर पार्टी हमारे को महत्व दे, हमारे को हमारी संख्या के हिसाब से हमारे को टिकट भी दे, ये भी मांग रहेगी। टिकट की बात है, वो मुख्यमंत्री बनने की बात बता रहे हैं, वो तो हमको नेतृत्व दिया जाए। नेतृत्व होगा और हमारी काबिलियत होगी तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अभी आप कहाँ से सर? कैलाश गौड़, बीजेपी से हूँ मैं। बीजेपी से? मुझे बताइए कि ब्राह्मणों के नेतृत्व की बात हो रही है और ब्राह्मण क्या कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण को नेतृत्व मिलना चाहिए। आज से 40 साल पहले राजस्थान में ब्राह्मण MLA की संख्या कम से कम 60 से 70 होती थी और आज हम 10 पर समट गए। ये एक सोचने का विषय है, हम सब ब्राह्मणों को सोचना भी चाहिए हम क्यों पिछड़ रहे हैं। हमारे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से हम बिल्कुल पीछे हो गए हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर हमले किए जा रहे हैं, ये उस हमलों को रोकना हमारे एक किस तरह के हमले किए जा रहे हैं? हमले आर्थिक रूप से भी किए जा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी किए जा रहे हैं। सामाजिक रूप से जैसे ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है कि ब्राह्मणों ने सब ये उल्टे सीधे जो भी वर्ण व्यवस्था है ये लागू ब्राह्मणों ने की है। जब क्या ये वर्ण व्यवस्था में, जैसे अभी आपने भी रिसेंटली पढ़ा होगा शूद्र, और ये बता रहे ना शूद्र, इनका इनके बारे में आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि एक तो सामाजिक आर्थिक रूप से हमें संबल दिया जाए, हमारे जैसे पुजारियों के लिए कहीं पर भी वेतन व्यवस्था नहीं। आज पुजारियों की ऐसी हालत हो रखी है कि मंदिर में पूजा करने के लिए उनके पास व्यवस्था भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि हमारे पुजारियों को भी जैसे जिस प्रकार से मौलानाओं के और वेतन दिया जाता है, उस प्रकार से पुजारियों को वेतन दिया जाए। कहीं ना कहीं ये चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन रहेगा ये चुनावी वर्ष में, और उनको मालूम भी चलना चाहिए एक ब्राह्मण भी कुछ है। इस बार पुनः एक बार हम वापस ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। ब्राह्मणों को वर्चस्व, अभी आपको जो किस तरह का तवज्जो, क्या मांग कर रहे हो आप लोग, कितनी सीटें मांग रहे हो, क्या टिकट मांग रहे हो? जातिगत समीकरण के हिसाब से तो सीटें हमारे कम से कम राजस्थान में 70 से 75 सीटें आ सकती है, पर अब वो कितना दे ये कितनी मांग है हमारे कम से कम 50 सीटों से ज़्यादा ऊपर। और इस साल जो चुनावी साल है, इस चुनावी साल में जिस तरह से आप देख रहे हैं जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं, जाट महासभा के बाद अब ब्राह्मण महासभा भी आ गई है, ब्राह्मणों की महापंचायत जयपुर में की जाएगी और जयपुर में ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जोधपुर से करणपुरी, ABP News।